चलिए बच्चों, अब हम लोग बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत आवश्यक प्रश्न को करने जा रहे हैं कि सिद्ध करें रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार से रूट टू को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, उसी प्रकार से प्रश्न चाहे कुछ भी आए, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट पी, सारे एक ही पैटर्न में प्रश्न हल होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या कि सिद्ध करें, प्रश्न है सिद्ध करें रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अर्थात विरोधाभास वाली तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार हम लोगों ने ज्यामिति में कुछ प्रश्न किए होंगे पिछली कक्षाओं में विरोधाभास का उपयोग करके, तो यहाँ पर भी हम विरोधाभास अर्थात कंट्राडिक्टरी मेथड का प्रयोग करके इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे? यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे, इसका विरोधाभास मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे कि मान लेंगे रूट टू एक परिमेय संख्या है, और जब जो भी परिमेय संख्या होती है उसे हम पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रारंभ करते हैं। कंट्राडिक्टरी मेथड से लिखेंगे, यदि संभव है तो माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। और हम ये जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को ए अपॉन बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ए व बी पूर्णांक है तथा बी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। और एक प्रमुख बात और कि यहाँ पर हम ये मानेंगे कि ए और बी अपने न्यूनतम रूप में है, अर्थात ये जो परिमेय संख्या है ये अपने न्यूनतम रूप में लिखी हुई है, और इस दशा में ए और बी का एचसीएफ एक होगा, अर्थात ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, और अर्थात एच सी एफ ए और बी का बच्चों कितना होगा? एक। किस दशा में? जब ए और बी अपने न्यूनतम रूप में होंगे, ए बटे बी अपने न्यूनतम रूप में होगा। चलिए, तो यहां पर रूट टू बराबर ए बटे बी आ गया है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो रूट टू का वर्ग हो जाएगा दो बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तिर्यक गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा टू बी स्क्वायर। अर्थात यहां से हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर है, अर्थात ए स्क्वायर का एक गुणज दो है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि दो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। अभी हम लोगों ने इसकी पहली प्रमेय में पढ़ा है कि पी अगर कोई अभाज्य संख्या है और पी यदि ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, उसी का प्रयोग यहां पे करेंगे। देयरफोर दो ए को भी विभाजित करेगी, ये हो गया समीकरण नंबर एक, दो ए को भी विभाजित करेगी। तो अगर दो ए को विभाजित कर रही है तो हम यहां पर ए बराबर टू सी लिख सकते हैं। जब दो ए को विभाजित कर रही है अर्थात ए के अभाज्य गुणनखंडों में दो कहीं ना कहीं होगा, दो तो होगा ही होगा और भी संख्याएं होंगी, तो उन संख्याओं का गुणनफल हमने मान लिया है सी, अर्थात सी एक पूर्णांक है, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर टू सी, जहां सी एक पूर्णांक है। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बच्चों बराबर आ जाएगा फोर सी स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर एक मान लेते हैं और इसको आर्टिकल नंबर दो या लाइन नंबर दो मान लेते हैं। तो यहां पर ए स्क्वायर बराबर फोर सी स्क्वायर आ गया है, मगर अगर हम समीकरण एक में देखेंगे तो लिखा है कि ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर, तो यहां पर ए स्क्वायर की जगह टू बी स्क्वायर लिख देंगे।
तो 2b² = 4c² ये कहां से आया, समीकरण एक से। दो का पक्षांतर कर देंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो b² = आ गया 2c². तो यहां पर देखिए बच्चों b² = क्या आ गया है 2c², तो उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि therefore 2b² को विभाजित करेगा, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। इसको हम लोग तीन नंबर ले रहे हैं। तो अगर हम समीकरण दो व समीकरण तीन को देखें, तो समीकरण में दो में लिखा है कि दो a को विभाजित करेगा, अर्थात संख्या जो दो है वो a को विभाजित करेगी, और यहाँ पे जो संख्या दो है वो b को भी विभाजित करेगी। अर्थात इन दोनों की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि दो a और b में उभयनिष्ठ है, दो a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु यहाँ पर हमने लिखा है कि HCF a और b का कितना है, एक। तो यही विरोधाभास बच्चों उत्पन्न हो गया कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ दो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है a और b का, और ये विरोधाभास इसीलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने रूट टू को परिमेय माना है, अतः जो हमने माना है वो गलत है और रूट टू एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इसको भाषा के रूप में लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो व तीन से दो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु HCF a, b का एक है, यह विरोधाभास कंट्राडिक्शन, द कंट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन रूट टू इज रेशनल, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट टू इज इरेशनल, परंतु यह विरोधाभास रूट टू को परिमेय लेने के कारण उत्पन्न हुआ है। यह विरोधाभास किस लिए उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने रूट टू को परिमेय लिया है, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या ही होगी, इति सिद्धम। चलिए बच्चों गृह कार्य में आप रूट थ्री और रूट फाइव को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, तथा इसके पहले वाली प्रमेय को भी आप भली भांति हल करेंगे, और अभी हम कुछ संख्याओं का HCF और LCM निकालने के लिए देंगे, आप वो भी करेंगे। धन्यवाद।